हेलो भैया जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं अभिनय श्रीवाली फिर स्वागत करता हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। सो भैया जी, अभी दिन के बज चुके हैं 8 और सुबह के मॉर्निंग का टाइम है। अभी हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं भेड़ाघाट घूमने के लिए। तो आपको सारा कुछ वहाँ का व्यू दिखाने वाले, वहाँ के बारे में सारी जानकारियां देने वाले भेड़ाघाट के बारे में। सो हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो भैया जी, अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए अभी अपन फटाफट निकलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम ना हो, और अभी अपने को यहाँ से जबलपुर जाने में 2-3 घंटे लग जाएंगे और फिर उसके बाद भेड़ाघाट जाएंगे। तो आपको डायरेक्टली वहीं मिलेंगे भेड़ाघाट में, आपको सारा कुछ वहीं के व्यू दिखाएंगे। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। प्लीज़ आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, आपका कीमती टाइम ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सारा कुछ भेड़ाघाट का व्यू। तो चलिए चलते हैं फटाफट आगे। सो भैया जी, फाइनली अपन पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और अपन थोड़ा वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं क्योंकि 3 घंटे सफ़र करने के बाद थोड़ा थक गए थे, सोचा थोड़ा 10 मिनट वेट कर लिया जाए, तो थोड़ा अपन रेस्ट करते हैं। सो भैया जी, फाइनली 3 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनली भेड़ाघाट, और कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है भेड़ाघाट का। और देख सकते हैं इधर, अभी इस टाइम पे बरसात का दिन है इसलिए सूखा एकदम से, नदियों में पानी एक भी नहीं दिख रहा आपको, ये देख सकते हैं। लेकिन ये नदी नहीं है, ये आपको पास से लेके चलेंगे, काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल हो रहा है। सो आपको वहाँ से पास से ले चलेंगे और पास से दिखाएंगे आपको सारा कुछ। और देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है फिलहाल। भेड़ाघाट का बहुत फेमस जगह है यार भैया, और हर जगह आप जबलपुर जैसे ही आएंगे ना तो आपको काफ़ी सारी बसें मिल जाएंगी भेड़ाघाट जाने के लिए। तो आप बस के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से या कैब के माध्यम से आ सकते हैं, सभी आपको सुविधा प्रोवाइड मिल जाएंगी। बस आपको थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि बस से जाएँगे तो वही 30-40 रुपये में हो जाएगा, वही कैब से जाएँगे तो 300-400 रुपये लग जाएंगे। सो हम लोग चलते हैं अब वाटरफॉल की तरफ क्योंकि वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और अपन चलते हैं वाटरफॉल का थोड़ा मज़ा लेते हैं और वहीं नहाएंगे, स्नान करेंगे और फिर आपको मिलते हैं आगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। सो अपन ये देख सकते हैं वाटरफॉल के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं और कितनी ज़्यादा भीड़ है, जो कि अपन ऐसे टाइम पर आए हैं कि जबकि भीड़ नहीं होनी चाहिए और अच्छा घूमने को मिले, फिर भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी लोग, ये देख सकते हैं यहाँ से पानी जाता है और जो वाटरफॉल होता है वहाँ से तो घर के नीचे से चला जाता है। तो ये देख सकते हैं भीड़। सो भैया जी, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और अपन पहुँच चुके हैं काफ़ी नज़दीक वाटरफॉल के, और यहाँ सेफ्टी के लिए चारों तरफ वाकटें लगाई गई हैं कि ताकि आप सेफ्टी में रहें क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बहाव रहता है। अभी इस टाइम पर तो पानी ज़्यादा है नहीं, लेकिन आप बरसात के दिनों में आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। सो चलते हैं पास, क्या पास से देखते हैं यार, पास का तो नज़ारा ही कुछ और होता है। सो पास से देखते हैं, चलते हैं। ये देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी आएंगे तो अपन लोग यहाँ करेंगे, नहाएंगे भी। देख सकते हैं सभी लोग नहा रहे हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है और सभी देख भी रहे हैं कि क्या कर रहे हो भैया, वीडियो बना रहे हैं यार, क्या करेंगे। सो भैया जी, चलते हैं पास में और आपको दिखाते हैं वाटरफॉल क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और आपको वाटरफॉल देखने के लिए काफ़ी उत्साहित होंगे। सो फटाफट चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं वाटरफॉल। सो भैया जी, ये देख सकते हैं वाटरफॉल कुछ इस तरह हो रहा है यहाँ वाटरफॉल, और ये तो वीडियो में आपको कुछ दिख नहीं रहा ना, आप पास से आएंगे ना, फेस टू फेस देखेंगे तब आपको समझ में आ गया यार काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल झरने हो रहे हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे बताया ना कि बरसात के दिनों पे यहाँ काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल होता है, लेकिन अभी इस टाइम पर सोच लीजिए कि इतना ज़्यादा वाटरफॉल हो रहा और ये पानी नीचे नीचे ही जाता है, इसलिए आपको वहाँ से मैं जूम करके दिखाता स्टार्टिंग पे, तो वहाँ आपको सूखा एकदम से दिख रहा था। लेकिन बरसात के दिनों में ना यहाँ हर जगह जहाँ अपन लोग खड़े हुए हैं यहाँ भी पानी आ जाता है, क्योंकि यहाँ मैंने पूछा है यहाँ के लोकल लोगों से, तो हमें जो जानकारी मिली मैं वही अपडेट आपको देता हूँ क्योंकि मैं पहली बार खुद आया हूँ तो मुझे खुद उतना नॉलेज नहीं है कि आखिर है क्या। और पहली बार आया हूँ तो भैया काफ़ी मज़ा आ रही है यहाँ देखने में, घूमने में। सो भैया जी, हमारी वॉइस हो सकता है थोड़ा कम रिकॉर्ड हो रही हो क्योंकि क्या है एक्चुअली कि वाटरफॉल इतना ज़्यादा हो रहा है कि क्या बताऊँ। और ये बंदा क्या कर रहा है यार यहाँ पे, देख सकते हैं आप, ओ माय गॉड, ये क्या कर रहा है भाई, गिर जाएगा। अब देख सकते हैं यार कैसे कैसे लोग हैं यार, फिर बोलते हैं कि यार क्या हो गया। सो क्या करें, गलती तो इन्हीं की है, पर देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है यहाँ का वाटरफॉल, और कितने दूर दूर से हर प्रकार से देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, तो काफ़ी मज़ा आती है यहाँ घूमने में। और मैं आपको और आगे चलता हूं और आपको आगे का दिखा देता हूं व्यू सारा कुछ, क्योंकि अभी अपन नहा लेते हैं और नहाने के बाद फिर चलते हैं आगे और यहां के बारे में आपको और ज़्यादा अपडेट देते हैं और ज़्यादा दिखाते हैं। सो आप
सुबह ये जी हम पहुँच चुके हैं नहाने वाली जगह पे जहाँ सब लोग स्नान करते हैं, क्योंकि उधर साइड वाटरफॉल ज़्यादा हो रहा है तो उधर तो नहा नहीं सकते क्योंकि खतरा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अपन आगे इधर साइड और अभी हम भी थोड़ा करेंगे स्नान और नर्मदे नदी में नहाएंगे और थोड़ा इंजॉय करेंगे, फिर आपको मिलते हैं और आगे और अच्छा व्यू दिखाते हैं आपको यहाँ के बारे में। सो भैया जी नहा के हम तो फ्री हो गए हैं और चलते हैं अब, तो आपको दिखा देते हैं यहाँ की मार्केट कुछ ऐसे सजी होती है और काफ़ी सारे लोग जो लड़कियाँ हैं लड़कियों के लिए ज़्यादा यहाँ शॉपिंग का सुविधा किया गया है, शॉपिंग क्योंकि लड़कियाँ तो ज़्यादा ही करती हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें चूड़ियाँ वगैरह सारा कुछ यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि जेंट्स लोग तो कुछ मार्केट करते नहीं हैं, लेडीजें हैं वही खरीदते हैं, इसलिए उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ देखने को मिलता है आपको। सो मैं सोचा आपको थोड़ा मार्केट के बारे में यहाँ दिखाया जाए, जो कि ये आप भेड़ा घाट के किनारे किनारे बनाया गया है ये मार्केट छोटा सा, और बरसात के दिनों पे तो ये नहीं रहता होगा मेरे हिसाब से, पर अभी तो है क्योंकि अभी इस टाइम पे बरसात नहीं है, सो यहाँ खाली जगह है तो यहाँ मार्केट लगाते हैं ये लोग और शाम को यहाँ से सामान लेके चले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू है देख सकते हैं। सो भैया जी वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो भैया जी यहाँ से करते हैं वीडियो को स्टॉप, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी करते हैं टाटा बाय बाय।